राहुल गांधी देश के हर मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, जीडीपी का हो या फिर किसानों का। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर एक ग्राफिक प्लेट साझा की है और सरकार को चेताया है कि पड़ोसी देश भारत से आगे निकल रहे हैं। सरकार अब तक नहीं चेती तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत देखते हुए सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इस मामले पर सरकार को कई बार आड़े हाथों ले चुका है। जाहिर है कि जब सरकार को अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है तो देश का क्या हाल होगा। लोगों के हाथों में न रोजगार है न पैसे हैं। सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बने, तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा कि कैसे। सरकार की नीतियाँ एक के बाद एक फेल होती जा रही हैं। देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की मंद रफ्तार को देखते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को जगाने की कोशिश की है। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ठोस उपलब्धि है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इस मामले में अब हमसे भी आगे निकलने को तैयार है। इसके साथ ही राहुल ने ग्राफिक्स प्लेट भी साझा की है। गौरतलब है कि इस कैलेंडर वर्ष में बांग्लादेश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मामले में भारत को पछाड़ने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश को प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% बढ़कर $1,888 होने की संभावना है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5% घटकर $1,877 रहने की संभावना है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की जीडीपी का ये आंकड़ा मौजूदा कीमतों पर आधारित है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे देश हिंदुस्तान से आगे होंगे। ऐसे में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं, मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।